साफ हो रहा है कि देखिए कल होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और बता दें कि 6 या 7 चरणों में हो सकता है चुनाव, ये संभावना जताई जा रही है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान कल होगा लोकसभा चुनाव को लेकर के। कल स्थिति साफ हो जाएगी, तारीख क्या रहने वाली है, 6 या 7 चरणों में चुनाव होंगे। एक चुनाव आयुक्त रिटायर कर गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे और दूसरे ने इस्तीफा दे दिया था और जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ तो मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लग गई थी। लेकिन नियम के मुताबिक आयोग के कि जब तक पद रिक्त हैं तब तक उसकी घोषणा नहीं हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कि चुनाव कराने से संबंधित जब भी राज्यों की समीक्षा होती है, राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रतिनिधि जाते हैं तो लगभग सभी राज्यों में जा चुके हैं, वहां की वो समीक्षा कर चुके हैं, तो तैयारी उनकी है। अब 2 पद थे वो दोनों भर चुके हैं, आज उन लोगों ने अपनी बैठक कर ली और ये एक समय सामने आया है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि कल लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी जाएगी। तो देखिए कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, ये अभी तक बात सामने आ रही, 6 या 7 चरणों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, ये फिलहाल संभावना। कल लोकसभा चुनाव को लेकर के स्थिति साफ हो जाएगी कि तारीख क्या रहने वाली है, 6 या 7 चरणों में चुनाव होंगे। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। सबसे बड़ी जो बात इस आयोग की तरफ से होती है कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हो, तो भयमुक्त चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाती है। जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव बहुत लंबा है कि राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक राज्य है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है और फिर सुरक्षा कर्मियों को मूव कराना पड़ता है क्योंकि यहाँ चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, हिंसा की आशंका बहुत ज्यादा रहती है, तो इसीलिए आयोग अधिक से अधिक फेज में इलेक्शन कराता है ताकि सुरक्षा कर्मियों का मूवमेंट सही ढंग से हो सके, व्यवस्थाएं सही ढंग से हो सके, यानी चाक चौबंद व्यवस्था हो सके। तो इस बार भी जो अभी तक के संकेत मिले हैं उस संकेतों के मुताबिक इस बार भी 7 चरण में हो सकते हैं चुनाव और जब कल चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होगी तो देखने वाली बात होगी कितने चरणों में इस बार उनकी तरफ से घोषणा की जाती है। लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि 7 चरण में हो ताकि भयमुक्त चुनाव हो, व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी न हो और लोग निर्भीक होकर आकर के मतदान केंद्र तक अपना मतदान कर सके। तो देखिए फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां कल होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान लोकसभा चुनाव को लेकर के, एक तरफ जहां तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, तमाम पार्टियां ये जद्दोजहद करें कि किस तरीके से इस 24 के चुनाव में जीत हासिल करनी है, और इस बीच में बड़ी खबर, कल होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान और ये फिलहाल माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कल और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर क्या तारीख रहने वाली है, 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि 3 बजे चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें ही इन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 6 या 7 चरणों में ही चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और बता दें कि इसके ठीक बाद जैसे तारीखों का ऐलान होता है आचार संहिता लागू हो जाएगी और कल ये संभावना जताई जा रही है कि कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा, ये जानकारी, और 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, कितने चरण रहने वाले हैं, 6 या 7 चरण फिलहाल ये संभावना है कि 6 या 7 चरणों में चुनाव होंगे और कल दोपहर को स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किस तरीके से चुनाव कौन कौन सी तारीख पर होने वाले हैं। कल चुनाव को लेकर के स्थिति साफ हो जाएगी, लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तमाम जो पार्टी है अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो तमाम पार्टियां सामने आ रही है अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के, और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 6 या 7 चरणों में चुनाव की तारीख रह सकती है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। विनाश देखिए एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, सभी ने कमर कस ली, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है और ये भी संभावना कि 6 से 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे।
बिल्कुल देखिए, ऑफिशियली चुनाव आयोग की तरफ से ये सूचना थोड़ी देर पहले जारी की गई है कि कल दिन में दोपहर 3 बजे जो जनरल इलेक्शन 2024 होना है उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और जहां तक सवाल सभी दलों की चुनावी तैयारी को लेकर है, तो चूंकि देखा जाए तो अधिकतर दलों के जो प्रत्याशी है वो घोषित हो चुके हैं और तमाम जो रैलियां हैं, चूंकि रैलियां पहले से चल रही थी, हालांकि वो सरकारी रैलियां थी, लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों के जो बड़े नेता थे वो भी लगातार दौरे कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद जो चुनावी रैलियों का दौर होगा वो शुरू हो जाएगा और खास तौर पर जो नेताओं में जुबानी जंग है और ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। जी अविनाश, देखिए जिस तरीके से फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कल तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको और धार देती हुई तमाम राजनीतिक दल नजर आएंगे। और ऐसे में अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें, बैठक भी लगातार की जा रही है, बीजेपी के खेमे में अगर बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां की जा रही है, क्या इसके मायने निकाले जाए कि आगे आगे हम क्या तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में ही हूं और जहां तक सवाल चुनावी तैयारियों को लेकर है तो चुनावी तैयारियां चूंकि बहुत पहले शुरू हो गई थी तमाम राजनीतिक दलों की, और अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तहत कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आ चुकी है। लेकिन चूंकि देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो तैयारियां थी वो पिछले 6 महीने से ही चल रही थी, और देखा जाए तो बीते 1 महीने के दौरान 200 से ज्यादा अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और चूंकि आज भी बीजेपी में महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होनी है, कई दूसरे दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो कह सकते हैं कि चूंकि तैयारियां तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब जो तमाम पार्टियां हैं पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में कूदने वाली हैं और जो चुनावी रैलियों का दौर है वो तेजी के साथ शुरू होगा, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। बिल्कुल अविनाश, और ऐसे में आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के, और चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहीं ना कहीं तारीखों को लेकर स्थिति साफ हो सकती है, क्या माना जाए कब ये, अगर अब बात करें क्या हलचल है, कब तारीख हो सकते हैं? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार जो जनरल इलेक्शन होगा वो तकरीबन 5 से 6 चरणों में होगा, और इस बात की भी संभावना है कि इस बार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है, खासतौर पर अगर हम खर्चों की बात करें, क्योंकि तमाम शिकायतें चूंकि अलग अलग एजेंसियों के द्वारा चुनाव आयोग तक पहुंचाई गई है, तो कुछ नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है चुनाव को लेकर। लेकिन अगर हम पार्टियों की बात करें तो चूंकि सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में है, और देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ताल ठोक रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन कल जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद जो उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर चुका है कि जहां 7वीं विधानसभा चुनाव होने तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से अलग से टीम उन राज्यों का भी दौरा कर चुकी है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जैसे कि उड़ीसा में दौरा करके और चुनाव आयोग ने वहां के जायजा ले लिया है कि वहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाए। तो कल जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिन राज्यों में, चाहे उड़ीसा हो, अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, तो उसका भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाए, क्योंकि साथ साथ चुनाव कराने में कहीं कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है, इस बात से बिल्कुल चुनाव आयोग संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार उन राज्यों का दौरा किया है। तो देखिए, कल हो सकते हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान, और ऐसे में तारीखों का इंतजार लगातार किया जा रहा है, तमाम हलचलें हम देख रहे हैं। राजनीतिक पैमाने की बात करें तो तमाम जो दल हैं वो तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, और हमारे साथ लगातार अविनाश भी बने। अविनाश, देखिए क्या वो चैलेंजेस हो सकते हैं चुनाव आयोग के सामने अगर तारीखों का जिक्र किया जाए, तारीखों को लेकर भी और जो नव मतदाता भी जुड़ेंगे उनको लेकर भी? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और देखिए इस बार नहीं, हर बार चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होती है चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की, चुनाव किस तरीके से पारदर्शी हो सके और चुनाव में हिंसा धनबल का कहीं से प्रयोग ना हो। तो इसको लेकर चूंकि एक जमाना था जब बैलेट से चुनाव होता था और उस दौर में देखा जाता था कि धांधली भी होती थी, जो खर्चों का ब्यौरा होता था कहीं ना कहीं उसको छुपाया जाता था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, जो नई गाइडलाइन जारी की गई, उसके बाद कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर जो खामियां होती थी पहले वो अब बहुत कम नजर आती है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग की यही कोशिश होगी, चूंकि
गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है और देखा जाए तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया जाता है, साथ में जो इलेक्शन ड्यूटी में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, तो उनको किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को संपन्न चुनाव आयोग करा सके, तो इसको लेकर चूंकि चुनाव आयोग की पहले से ही तैयारी चल रही थी और देखा जाए तो चुनाव आयोग की एक टीम कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश भी आई थी, उस टीम ने लखनऊ का दौरा किया, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और चुनाव को किस तरीके से सकुशल संपन्न कराया जा सकता है इसको लेकर एक ब्यौरा तैयार किया गया, एक पूरी ड्राफ्टिंग की गई। तो चूंकि चुनाव आयोग भी तैयार है और जब चुनाव आयोग तैयार होता है तभी वो शेड्यूल की घोषणा करता है, तो वैसे में कह सकते हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारी है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की। अविनाश, और ऐसे में चुनाव से पहले कई हम देखते हैं कई बड़ी घोषणाएं होती है, जैसे कि आज हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर में कटौती की गई, और क्या संभावना जताई जाए कल से पहले क्या और भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं लोक लुभावने वादे करती है, तमाम तरह की सब्सिडी दी जाती है, जिस तरीके से हमने एलपीजी में छूट देखा, पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो घटाए गए, और इसके अलावा तमाम ऐसी परियोजनाएं थी जिसका लोकार्पण शिलान्यास किया गया। अगर हम रेलवे की बात करें तो देश को कई नई वंदे भारत ट्रेनों का भी सौगात मिला, और ना सिर्फ एक सेक्टर बल्कि चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश रही कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम घोषणाएं कर दी जाएं और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को किस तरीके से ज्यादा मिल सके, ताकि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार किया जाए। तो ये कवायद पिछले 6 महीने से चल रही थी, लेकिन अगर बीते 1 महीने की बात करें तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का दौरा किया, देश में तमाम रैलियों को संबोधित किया, आज भी वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। और अगर हम राज्यों की बात करें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो चूंकि मुख्यमंत्री के जो दौरे होते हैं वो आमतौर पर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कल सीएम ने 3 जिलों का दौरा किया, आज भी कई जिलों में है, तो सभी अविनाश, और ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव को, और ऐसे में पारदर्शी चुनाव कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी, इसको लेकर भी क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं और यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर